अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। महकमा खेल हुकूमत बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी ग्राउंड में सेकेंड ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हॉकी गोल्ड कप के सिलसिले में शानदार मैचेस जारी है। टूर्नामेंट के छठे दिन इस्लामाबाद सिंध कलर, बलोचिस्तान कलर और पंजाब कलर ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पहले मैच में इस्लामाबाद ने गिलगित बल्तिस्तान को 4-1 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सिंध कलर ने बलूचिस्तान वाइट को 4-2 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में बलूचिस्तान कलर ने सिंध वाइट को 6-0 से शिकस्त दी। जबकि आखिरी मैच में पंजाब कलर ने आजाद कश्मीर की टीम को 9-0 से शिकस्त दी। दूसरे सुबह से आए हुए खिलाड़ियों ने क्वेटा में मनाकिदा हॉकी टूर्नामेंट को खूब सराहा। बहुत ही अच्छा उन्होंने इवेंट करवाया, अंपायरिंग और तमाम चीज़ों को लेकर, इनकी रिहाइश से लेकर और इनके मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ बेहतरीन है। ऐसे इवेंट होने चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी को ज़्यादा से ज़्यादा मजीद तरक्की मिले, और ऐसे इवेंट होने चाहिए। स्पोर्ट्स ने हमारे साथ बहुत तआवुन किया और उन्होंने हमें बेहतरीन एकोमोडेट भी किया है और हमें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस का मौका दिया है। हमें यहाँ खेल के बहुत एक्सपीरियंस मिला है। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने सूबे में हॉकी के फरोग और मेगा इवेंट मुनक्किद करने पर महकमा खेल की काविशों को सराहा। बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ डीजी स्पोर्ट्स का, सेक्रेटरी स्पोर्ट और मिनिस्टर स्पोर्ट खालिक हजारा साहब का, उसके बाद हमारे एसोसिएशन का जो बलूचिस्तान एसोसिएशन है, हमारे सदर कामरान साबिर साहब, अमजद सत्ती साहब सेक्रेटरी, हमारे सईद अमीन साहब, जिनकी बहुत सी मेहनतों के बाद ये इवेंट जो है बलूचिस्तान में आया। और मैं चाहता हूँ इस तरह के हर साल इवेंट बलूचिस्तान में आने चाहिए जिससे बलूचिस्तान के यूथ का टैलेंट ऊपर आएगा। सेमीफाइनल के लिए पंजाब कलर, सिंध कलर और बलूचिस्तान कलर की टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब, जबकि चौथी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम का फैसला कल होगा। महक शाहिद, क्वेटा।